ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था हिंदुस्तान के साथ जब पूरे नेशन में एक ही चीज़ दिखाई जा रही थी और वो पहला सीरियल था हम लोग। तो ये जो भटकाव है राइटर्स का भी डायरेक्टर्स का भी, उसकी वजह से मुझे लगता है हमने कहीं ना कहीं वो आत्मा खो दी है जो ऑडियंस पहले रिलेट कर पाती थी, अब वो नहीं करती है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है टेलीविज़न का कि माँ की कसम खाई जाती है कुछ भी करने से पहले, माँ के चरणों में पड़ा जाता है, माँ से ही रोया जाता है, माँ से ही लिपटा जाता है। तो माँ इतना कॉमन करेक्टर है और प्यारा करेक्टर है। मैम, प्लीज़ टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी। आपने थिएटर से शुरुआत करी, फिर आपने टेलीविज़न किया, आपने फिल्म्स भी करी, थोड़ा सा एक झलकी दिखा। दरअसल मेरी शुरुआत टेलीविज़न से हुई है 1968, यानी कि आज से पूरे 50 साल पहले। मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की रही होंगी। उस वक्त टेलीविज़न जो था वो लाइव होता था, टेलीकास्ट। उस टाइम रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं आया था। 70s में जो है रिकॉर्डिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ हिंदुस्तान में, तब फिर एडिटिंग वगैरह नहीं आई थी, तो सिर्फ रिकॉर्ड होता था और पूरा रिकॉर्ड होता था, एंड तक रिकॉर्ड होता था। अगर कुछ गलत हो गया तो फिर नए सिरे से पहले सीन से फिर शुरू किया जाता था। तो मेरी जर्नी तो टेलीविज़न से शुरू हुई, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद रेडियो में बहुत प्लेस किए मैंने, उसके बाद फिर जब बॉम्बे शिफ्ट हो गई तब फिल्मों का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो इस तरह से 50 साल कंप्लीट कर लिए मैंने। आपका जो एक माइलस्टोन है, आई थिंक दैट्स हम लोग। आई थिंक 80s में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें हम लोग नहीं चलता था, जहाँ पे टेलीविजन थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेलीविज़न उस वक्त पर क्या था कि पहले सिर्फ लोकल था, जैसे दिल्ली का जो भी शूट होगा वो दिल्ली में ही दिखाया जाएगा, लखनऊ का दूरदर्शन लखनऊ की चीज़ें दिखाता था। ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था हिंदुस्तान के साथ जब पूरे नेशन में एक ही चीज़ दिखाई जा रही थी और वो पहला सीरियल था हम लोग। और क्योंकि वो इतनी घरेलू कहानी थी, इतने आम आदमी की कहानी थी कि हर घर की कहानी हो गई, और इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया था, लोगों को बहुत पसंद था, सब अपने आप को एक दूसरे में देख रहे थे, कैरेक्टर से आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा था लोगों का, क्योंकि बहुत सच्चाई थी उसमें। बिल्कुल। आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि जो बड़की का कैरेक्टर था आपका रोल, कि वो कुछ बन चुका है, कि पूरी कंट्री उसको जानती है? When did you realize that this was something very special? Actually, मेरा करेक्टर, आप तो खैर बहुत छोटे रहे होंगे, पर जिन लोगों ने भी हम लोग देखा है उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि वो बहुत दबी हुई लड़की थी, बहुत चुप रहती थी, और अचानक उसकी ज़िंदगी में डॉक्टर अश्विनी कुमार आते हैं और वो उसको ज़िंदगी का एक नया पहलू दिखाते हैं, और उस नए पहलू के दौरान वो सोशल वर्कर हो जाती है, और जब वो सोशल वर्कर हो जाती है तो लोग उसके पास आते हैं अपना दुख लेके। तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत नई करवट आई थी कि मेरे पास लड़कियां एक्चुअल में घर छोड़ के आने लगी थी। वाओ। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि इस माध्यम के थ्रू हम पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, इसका मतलब क्योंकि वो इतना विश्वास करते हैं। तो इस कहानी पे इतना विश्वास किया, फिर लड़कियां आ गई मेरे पास, फिर मुझे एक्चुअल में सोशल वर्कर बनना पड़ा। मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी जिनसे कांटेक्ट किया, उन लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया। तो मुझे लगा उस वक्त पे कि टेलीविज़न या इस तरह की कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाना, कोई स्ट्रॉन्ग करेक्टर के थ्रू कोई मैसेज पहुंचाना, वो बहुत पावरफुल है। और हम चाहें तो, क्योंकि हम घर घर पहुंच रहे हैं, घर घर बिना पैसा दिए वो हमें देख पा रहे हैं, तो क्यों ना बहुत अच्छा मैसेज उन तक पहुँचे, शायद हिंदुस्तान बदल जाए। राइट। मेरी मदर ने एक बार मुझे बताया था कि जब बड़की की शादी हुई थी हम लोग में, तो रिवाज हुआ करता था, खैर अभी भी है, कि लड़की की शादी पे माँ बाप दहेज देते हैं, तो दहेज देते हैं और उपवास रखते हैं। जी। तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे लोग थे, हमारे भी कई रिश्तेदार हैं, जिन्होंने जब आपके करेक्टर की शादी हुई तो दे फास्टेड दैट डे। तो क्या ऐसा क्या चीज़ थी उस सीरियल में कि लोग आप लोगों को अपने घर का हिस्सा समझते थे? देखिए, मैं तो कहूँगी सच्चाई। सबसे बड़ी चीज़ है ऑनेस्टी, कि वो जो सीरियल था वो इतनी ऑनेस्टी के साथ लिखा गया था। उसका मकसद कोई पैसे कमाना नहीं था। उसका मकसद शायद ये भी नहीं रहा होगा कि बहुत सारे एड्स मिल जाए हमको। उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये कहानी हमें घर घर पहुंचानी है। और बड़की जो कि उस टाइम का एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सब्जेक्ट था, कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसके घर में जो लड़की है उसकी शादी होने के लिए या तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए या उस लड़की को बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो वो इतना बड़ा मुद्दा था जो उस वक्त उठाया गया था,
इसलिए जब बड़की की शादी हुई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे माँ बाप उस बात से इतने खुश हुए थे कि उनको एक उम्मीद हो गई कि हमारी लड़की की भी शादी हो सकती है। तो इस खुशी में उन लोगों ने उपवास रख लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर में इतना सामान आया गिफ्ट का। अच्छा। इतना सामान उन लोगों ने भेजा, एक्चुअली मेरे पास बर्तन, बेड शीट्स, पता नहीं क्या क्या भेजा था उन लोगों ने। राइट। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था। हम लोग जो है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक सोशल शो बन गया। इट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ सोशल मैसेजेस, सोशल रिफॉर्म लाया। हाँ। स्टोरी टेलर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल रिफॉर्म की तरफ, क्योंकि आज के अगर हम सीरियल्स देखें तो काफ़ी कुछ सीरियल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, कुछ सोशल रिफॉर्म होने रहा है, शायद उल्टा ही हो रहा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइटर्स पे, एक्टर्स पे, डायरेक्टर्स पे? वही जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बड़की के करेक्टर से इतनी बड़ी क्रांति आ रही थी कि लड़कियाँ जो इतने दिनों से अपने घर में दबी भी थी वो उठ के बाहर आना चाहती थी, करियर अपनाना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो मुझे लगता है कि ये एक राइटर का बहुत बड़ा वो बनता है फ़र्ज़ कि वो अपनी कलम के थ्रू अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहता है तो उसे कर देना चाहिए और उसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा मिलता है हमेशा। तो राइटर के पास तो बहुत बड़ी ताकत होती है और कहते हैं ना कि कलम की ताकत तो इतनी बड़ी ताकत है। आजकल आप देख ही रहे हैं हमारे मीडिया की ताकत को। बिल्कुल। तो सब फुल ऑन। मतलब हम लोग जैसे शोज क्यों नहीं बनते हैं? उसका रीज़न ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं। हम एक्चुअली में अब सामान बेचना चाहते हैं, हम बात नहीं कहना चाहते हैं। वहाँ के बात बिगड़ गई। जब हम ये वेट करने लगे कि हमारी TRP हाई होगी और TRP किसकी वजह से हाई हुई है तो उसका ट्रैक चालू कर दो। मतलब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ इसलिए चल रहे हो कि ये अच्छा लोगों ने इन्जॉय किया। पर आपने ऐसा कैसे सोच लिया? हाँ। आपकी कहानी जब किसी और की है। हाँ। तो आप कहीं और क्यों भटक गए? तो ये जो भटकाव है राइटर्स का भी डायरेक्टर्स का भी, उसकी वजह से मुझे लगता है हमने कहीं ना कहीं वो आत्मा खो दी है जो ऑडियंस पहले रिलेट कर पाती थी, अब वो नहीं करती है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है टेलीविज़न का मेरे हिसाब से। क्या हम लोग जैसा शो फिर से बन सकता है? Could it be remade? बिल्कुल बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सारा दोष जो ऑडियंस पे थोप देते हैं कि ऑडियंस यही चाहती है इसलिए हम ऐसा काम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल आप देखिए ना जिस तरह की फिल्में बनने लगी हैं वो क्यों अप्रिशिएट हो रही हैं। बिल्कुल। ऑडियंस क्यों नहीं देखना चाह रही है बड़ी बड़ी बजट की फिल्मों को? क्योंकि उसमें उनकी ज़िंदगी उनको दिखाई नहीं दे रही। अब बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान या ऐसी जो भी छोटी अभी स्त्री आई, इससे पहले वो आई अपना बधाई हो, वो क्यों हिट हो गई? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी दिखाई दे रही है उसमें। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए हिंदुस्तान में 80% मिडिल क्लास है आज भी। बिल्कुल। तो जब 80% मिडिल क्लास है और हम उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं या उसकी ज़िंदगी की कहानी को हम ज़्यादा दिखाएंगे, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसे अभी आपने कुछ फिल्मों का नाम लिया, यू नो, इन विच आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करे थे, शुभ मंगल साधन, बरेली की बर्फी, एक्सेट्रा। डू यू थिंक दीज फिल्म्स आर क्रॉसिंग द लाइन ऑफ आर्ट हाउस सिनेमा एंड कमर्शियल सिनेमा? बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक बीच का रास्ता निकला है जिसमें हम सेंसिबल सिनेमा को एंटरटेनमेंट के साथ बना रहे हैं। ये नहीं हुआ कि जैसे एंटरटेनमेंट के नाम पे हम कुछ भी दिखाना चाहते थे पहले कि चलो चलता है, जिसे हम कहते हैं फिल्मी लिबर्टी। हाँ। कि चलो फिल्मी लिबर्टी ले लेते हैं जी। कि हमारा हीरो आसमान से टपका, लेकिन अब हमारा हीरो आसमान से नहीं टपक रहा। बिल्कुल। अब हमारा हीरो अगर आना चाहता है कहीं पर तो उसको वो सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी जो वहाँ तक पहुँचने के लिए झेलनी होनी। हाँ। तो लोगों को उस पर विश्वास होता है और उसके साथ साथ अगर वो ही हीरो गाना भी गा लेता है, वो हीरो डांस भी कर लेता है, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि जैसे मेरे घर के लड़के ने डांस करके दिखा दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि हमने एंटरटेनमेंट भी ले लिया और हमने एक सेंसिबल सिनेमा भी देख लिया और हमारी अपनी कहानी भी हमें दिख गई। तो इसलिए शायद ये फिल्में ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं लोगों के बीच। आपने जो मदर के रोल्स करे हैं इन दीज लास्ट फ्यू ईयर्स, दे बिकम वेरी पॉपुलर, स्पेशली जो कॉमिक एलिमेंट ऐड किया है आपने इन फिल्मों में, बहुत ही पसंद आया लोगों को। हिंदुस्तान की माँ आज कौन है? इज इट द कैरेक्टर्स आर यू पोर्ट्रेड और डू यू थिंक एवरी मदर इन इंडिया इज डिफरेंट? मेरे ख्याल से माँ तो माँ ही होती है। इसीलिए शायद हर आदमी ये कहता है मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है। ये आया ही क्यों? इसका मतलब माँ अलग होती ही नहीं है।
हाँ हम क्लास डिफरेंस दिखा सकते हैं कि जो माँ वर्किंग है वो शायद अलग बिहेव करती है, या घरेलू माँ है तो उसका अलग बिहेवियर हो सकता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक इमोशन की बात है वो तो हर माँ का सेम ही होता है अपने बच्चे के लिए। तो इसलिए क्योंकि वो इतना आम करेक्टर है हमारे हिंदुस्तान में कि माँ की कसम खाई जाती है कुछ भी करने से पहले, माँ के चरणों में पड़ा जाता है, माँ से ही रोया जाता है, माँ से ही लिपटा जाता है। तो माँ इतना कॉमन करेक्टर है और प्यारा करेक्टर है, तो फिर मुझे लगा कि माँ इतनी प्यारी होती अगर, और माँ मेरी भी बहुत प्यारी थी, तो वो ज़रूर हंसाती हैं हमें, कहीं ना कहीं गुदगुदाती हैं, तो क्यों ना इसमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढा जाए जो माँ का भोलापन लिए हुए हो जिस पे हमें हंसी आए। तो इसलिए मैंने जितने भी अभी पीछे कैरेक्टर्स किए उसमें इस फ्लेवर को डालने की कोशिश की है कि माँ का वो प्यारापन उसमें रहे। बट इवन जो यू नो अभी मैंने आपकी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा देखिए उसमें भी आप माँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक इमोशन है और एक जो एक फीलिंग है सोनम की शादी को लेकर, वो एक माँ की ही फीलिंग आ रही है। हाँ मतलब जिस एज में वो करेक्टर दिखाया है और जो उसका बैकग्राउंड दिखाया है कि वो इतनी सी थी जब, तब से उस घर में काम कर रही है, तो उसकी बच्ची जैसी हो गई। हाँ, तो उसकी शादी होना नहीं होना, उसमें परेशानी आ जाना, एक घर के नौकर जो होते हैं उनके लिए भी उतना ही कंसर्न होता है। राइट, तो वो प्यार तो आना ही था, क्योंकि ये चीज़ ये जो रिलेशनशिप है क्या ये यूनिक है हमारे कल्चर में, जहाँ खून का रिश्ता ना होने पर भी एक पड़ोसी भी आपके लिए इतना कंसर्न दिखाता है आपके। तभी तो हम गर्व से कहते ना हम हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए तो है हम हिंदुस्तानी, क्योंकि हम पड़ोस के लिए भी रोते हैं, हम अपनों लोगों के लिए भी रोते हैं, तो हम लोग तो हैं ही ऐसे। आपकी जो इतनी लंबी और इतनी सक्सेसफुल जर्नी रही है, व्हिच रोल इज दैट दैट हैज बीन द मोस्ट क्लोजेस्ट टू योर हार्ट एंड व्हाई? आंखों देखी, डेफिनेटली डेफिनेटली आंखों देखी, क्योंकि आंखों देखी में मुझे कहना चाहिए कि स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ था और माँ के तकरीबन सारे शेड्स थे उसमें, क्योंकि माँ की जर्नी में अगर देखे जाएँ तो उसका क्या एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम सिर्फ ये है कि भाई उसकी लड़की की टाइम पे शादी हो जाए, उसका लड़का बड़े होके किसी गलत काम में ना पड़े, अच्छे काम में पड़े, अच्छी नौकरी करे और पैसा कमाए। आंखों देखी में दोनों चीज़ें उसकी फ़ेल हो जाती हैं, ना लड़का किसी काम का निकलता है, वो जुआ खेलने लगता है, लड़की की शादी हो नहीं रही है, वो भागने को तैयार बैठी है। तो उस माँ का फेलियर था, जब उसे ये एक ही सहारा था उसके हस्बैंड का, और उसने देखा कि उसका हस्बैंड भी अब अजीब अजीब बातें करने लगा है, वो किसी और ही खोज में जा रहा है, तो उस एक औरत का जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है एक उम्र में आके, वो इधर उधर हाथ पैर मारती है कि किसी तरह इस घर को फिर से मैं बना पाऊँ, वो उसमें कम्प्लीट था उस स्क्रिप्ट में अम्मा का रोल। When you were growing up, who was your inspiration in the film industry? उस टाइम पे जब हम बड़े हो रहे थे और हम थिएटर कर रहे थे उस टाइम पे और आज भी, नसीरुद्दीन शाह साहब हमेशा मेरे लिए आइडियल रहे हैं। अच्छा। अपने काम के लिए उनका पैशन जो है वो उनकी सबसे बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि वो किसी भी काम को करते हैं बहुत पैशनेट होके करते हैं। आज थिएटर कर रहे हैं, थिएटर भी वो इतना पैशनेट होके करते हैं, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि काश मैं उनकी तरह अपने काम को निखार पाऊँ। हम आपको नेक्स्ट कौन से रोल में देखेंगे, इफ यू कैन टॉक अबाउट इट? नेक्स्ट अभी एक फिल्म आने वाली है अर्जुन पटियाला, ओके, और एक आने वाली है चिंटू का बर्थडे, ओके। चिंटू का बर्थडे में मैंने एक दादी का रोल किया है। अच्छा। और जो अर्जुन पटियाला है उसमें एक पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा। उसका रोल किया है, तो अभी ये दो नई फिल्में आने वाली हैं। आपने इतने डिवर्स रोल्स करे, इज देयर एनी रोल जो अभी तक आपको नहीं मिला है जिसकी आप तलाश में है? कि ऐसा तो कोई एक्टर बता नहीं सकता, अभी तो बहुत रोल पड़े हैं जिनके इंतजार में मैं बैठी हूँ कि कब आएंगे वो। राइट राइट, एक्सेलेंट। एंड एनी एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए जो एक्टर्स बनना चाहते हैं और जो स्टार्स भी बनना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि देखिए, जैसे कि एक इंजीनियर बनना उसमें पढ़ाई शामिल है, एक डॉक्टर बनना उसमें एक डिग्री शामिल है, ऐसे ही एक्टर बनने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि आप अच्छे दिखते हैं और आप हैंडसम हैं तो आप एक्टर हैं, ये गलत बात है। आप एक मॉडल हो सकते हैं पर आप एक एक्टर नहीं हो सकते विदाउट ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग का इतना महत्व है, उसे समझें। आना बहुत अच्छी बात है पर ऐसी चीज़ में आके करेंगे क्या जिसके बारे में आप जानते ही नहीं? सही बात। आपको ऐसा लगता है मुँह आड़े टेढ़े कर देना
गाना गा देना, बॉडी बना देना, ये एक्टिंग है तो आपका सोचना ही गलत हो जाता है। एक्टिंग के बारे में पहले जानिए, फिर इसे करियर चुनिए, क्योंकि जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत मेहनत की है। आप कहीं से भी उठ के आके ये सोचें कि आप एक्टर बन जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो किसी के भी धोखे में मत आइए जो आपको कहे कि मैं आपको फिल्म में ले रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं लेता। ओवरनाइट कोई स्टार नहीं बनता है, हर एक के पीछे बहुत मेहनत है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि जो भी है धोखे में ना रहो और ख़ुद को पहचानो। अगर आपके अंदर आर्ट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं है तो अच्छा है, जल्दी से भूल जाएं और अपना कोई और काम करें। यस, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।